किडनी मानव शरीर का अहम हिस्सा है, जिसका काम आपके शरीर के सारे अंगों को सही तरह से चलाने का होता है, क्योंकि किडनी आपकी बॉडी की गंदगी को शरीर से बाहर करने का काम करती है। अब किडनी सही तरह से काम कर रही है या नहीं, इस बात को जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, ताकि आपको भी ये पूरी जानकारी मिले और आप हमारी इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके अपने इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रहें। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं। और आज हम आपके सामने बड़ा ही दिलचस्प विषय लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपकी किडनी सही तरह से काम कर रही है या नहीं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में किडनी के काम के बारे में बताया कि किडनी आपकी बॉडी में एक अहम स्थान रखती है, जिसका काम आपके शरीर में आपके रक्त को साफ करना, आपकी बॉडी से क्रिएटिनिन स्तर को कम करना, यूरिया के स्तर को कम करना और भी कई सारे हानिकारक तत्व को बाहर निकालने का होता है, जिससे आपकी बॉडी में रक्त साफ रहे और इससे आपकी किडनी के काम में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। शरीर में कुछ अंग बहुत ही अहम होते हैं, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार शरीर की देखभाल करते हैं, जिसमें एक किडनी भी है, जो कि ह्यूमन बॉडी का बहुत ही नाजुक और अहम हिस्सा होता है। अगर किडनी में थोड़ा सा भी असंतुलन आ जाए तो ये आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम बिगाड़ सकती है, जो कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब अगर आपकी बॉडी का संतुलन खराब हो तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा अंग है जो सही से काम नहीं कर रहा है। अब किडनी अपना काम कर पा रही है या नहीं, इसको जानने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी में होने वाले बदलावों को समझें। अगर बॉडी में किसी भी प्रकार की सूजन हो, बेवजह दर्द होने लगे, तो शरीर के इस बदलाव को बिल्कुल अनदेखा न करें। अक्सर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, दर्द होने पर पेन किलर ले लेते हैं, जिससे वो अपनी किडनी के लिए और मुसीबत मोल ले लेते हैं। शरीर में सूजन होना आपकी किडनी के काम को बताता है, जो कि आपकी किडनी में कोई खराबी आ गई है, जिसके लिए सही इलाज की जरूरत होती है। अगर आपको रोजाना यूरिन से जुड़ी परेशानी है तो ये भी किडनी के काम को बताती है, जिसमें आपको अधिक बार यूरिन आना, यूरिनेशन की इच्छा होना और यूरिन न होना, यूरिन के रंग में कुछ बदलाव होना, यूरिन में जलन होना और सबसे जरूरी चीज यूरिन में खून आना ऐसी परेशानी हो सकती है। अचानक ठंड लगकर बुखार आना सामान्य है, लेकिन बार बार ऐसा हो और साथ ही आपको उल्टी भी हो तो ये किडनी में खराबी को बताता है। इसके लिए जरूरी है कि आप इसको अनदेखा न करते हुए सही इलाज लें। अचानक से त्वचा में कुछ खराबी आना भी किडनी खराबी की वजह से हो सकता है। पेट और कमर के निचले हिस्से में दर्द बने रहना भी आपको इस बात की जानकारी देता है कि आपकी किडनी में कोई दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही अचानक भूख में कमी और नींद में कमी आपकी किडनी के काम में कमी को बताते हैं। अगर आपको शरीर में ये सभी समस्या नजर आती है तो इन्हें अनदेखा करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर आपके शरीर में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है तो समझ लीजिए आपकी किडनी सही तरह से काम कर रही है। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने रहन सहन में बेवजह के बदलाव करने लगे। आप हमेशा सही आहार और सही दिनचर्या को अपनाएं, ताकि आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा ना करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। जब आयुर्वेदिक इलाज की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम आपको आयुर्वेदिक उपचार केंद्र के बारे में भी जानकारी दें। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है, जिसका आपकी बॉडी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी परेशानी में हैं और अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।